अभी तक मेरी धक धक हो रही है फुटपाथ पे। गाड़ी में से टच हुआ टायर और यूं हो गई। आज हमने नई गाड़ी ले ली है। What's up guys, I'm Siddhant here watching Siddhant and welcome back to my new video। आज हम जा रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में जितनी भी टॉप जगह सारी कवर कराएंगे बेलफास्ट को छोड़ के बस, क्योंकि बेलफास्ट थोड़ा अलग पड़ जाता है। बाकी उसको छोड़ के सारी जगह आज कवर करके आएंगे और अभी हम निकल रहे हैं। चले, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ठंड लग रही है इसको, आज ठंड बहुत है वैसे भी। तो अभी चलते हैं। जय करा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। लेट्स गो। फिर रस्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुके। मैं सुबह निकलना था भाई 6:30, रात को मैंने सोचा था 4:30 उठ के 6 AM हम निकल जाएंगे। और हम घर से निकले 9:30 और अभी 11 बज रहे हैं। कौन कौन सी बढ़िया जगह है यहाँ पे घूमने की, कौन कौन सी जगह आप मस्ट है घूमो ही घूमो नॉर्दर्न आयरलैंड में। भाई ये बंदी नहीं आ पा रही, इतनी देर हो गई, फ्रेश होने गई है पेट्रोल पंप पे, आई नहीं रही, आ गई लो। अब आइए इतनी देर में, आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे बैठे। एक आपके फायदे की बात, फिर से हर व्लॉग में फायदे की बात एक बताता हूँ। बहुत लोग आजकल बाहर पढ़ना चाहते हैं, बहुत क्राउड है कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, बाहर पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, अब्रॉड पढ़ना है। और हर किसी को वैसे है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स को उसके लिए लोन की बहुत को ज़रूरत होती है। मेरे पास बहुत मैसेजेज आते हैं कि भाई लोन चाहिए, कैसे ले स्टडी अब्रॉड लोन, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। ये दिमाग में रखते हुए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यूनिक्रेड से, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर स्टडी अब्रॉड लोन के लिए। इनका एक स्टूडेंट लोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है लोन के लिए स्टूडेंट्स की, जिसका एम है सभी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करना, ताकि सब इजीली बाहर जाके पढ़ पाए। यूनिक्रेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2019, तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं और नई टाइम में इन्होंने 2K प्लस स्टूडेंट लोन सेंक्शन कर दिया है, तो बहुत ही आपकी हेल्प और इजी प्रोसेस होगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सब कुछ सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। इन्होंने 125 मिलियन प्लस डॉलर्स की अब तक 2-3 साल में हेल्प कर दी 2019 से अब तक। दे स्पेशलाइज इन डॉलर लोन्स, जहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम इरेटिक नेचर ऑफ करेंसी एक्सचेंज, तो एक आपका वहां बेनिफिट हो जाता है। अलॉन्ग दैट दे प्रोवाइड सीमलेस लोन प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यूनिक्रेड का है कि उनको कोलेटरल नहीं चाहिए होता है फॉर लोन। और यूनिक्रेड प्रोवाइड करता है लोन बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग इंटरेस्ट रेट्स पे, बहुत ही लो होते हैं जो कि, सो यू कैन एंजॉय दिस पेपरलेस प्रोसेस विद एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन। एंड उसके साथ ही आपको मिलेगा बेस्ट कॉम्पिटिटिव एजुकेशन लोन यूनिक्रेड से। और सबसे अच्छी बात जो सब लोगों को चाहिए होती है, यूनिक्रेड रखता है 100% ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के साथ पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट योर एजुकेशन लोन प्रोसेस, जहाँ पे आपको काउंसलर बताएगा सारे स्टेप्स की कैसे होगा सब कुछ। सारे एजुकेशन लोन 100% सेफ होते हैं और सोर्स्ड होते हैं फ्रॉम सेफेस्ट बैंक एंड NBFCs। और कुछ और भी हेल्पफुल टूल्स है जो आप यूनिक्रेड पे फाइंड कर सकते हो, EMI कैलकुलेटर, रीपेमेंट कैलकुलेटर, और यहाँ तक आप एलिजिबिलिटी चेकर भी फाइंड आउट कर सकते हो यूनिक्रेड प्लेटफॉर्म पे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है किस बात की देरी है, आप लोगों को लोन चाहिए, लोन बहुत ही अच्छे प्रोसेस से, इजी प्रोसेस से आप लोगों को मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाओगे लिंक फिल करोगे, वो आपको पूरी हेल्प कर देंगे। एंड जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोगों ने यूज़ करा, तो बहुत ही रिलायबल प्रोसेस है एंड बहुत ही अच्छे से आप अच्छी, जहाँ आपकी एस्पिरेशन है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी कंट्रीज़ में, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो बाय नोइंग कि आपको बाद में कितने पैसे भरने हैं। EMI कैलकुलेटर टूल्स जो बताए वो सब भी चेक कर सकते हो। जान निकल गई भाई, बहुत अजीब हुआ आज हमारे साथ। आज क्या मतलब, अभी एक मिनट भी नहीं हुई है उस बात को, 30 सेकंड हुए होंगे। ये सड़क के साइड में गाड़ी लगा रखी है हमने, सेफ स्पॉट देखते ही साइड में लगा दी हमने। मेरे से धक धक हो रही है इतनी तेज। साइड में जो होता है ना फुटपाथ, ऐसे कर्व था और उसमें फुटपाथ है ना, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, पता नहीं क्यों अजीब से पूरा गोल नहीं है फुटपाथ। यहाँ पे लिखा है ये सड़क ना थोड़ी नैरो है। हाँ, एकदम से बहुत ज्यादा नैरो हो गई, फुटपाथ इतना चौड़ा हो गया साइड का। वहाँ पे स्लो लिखा था, ये कह रही दही खा ले, तो मैं दही लेके ऐसे खा रहा एक चम्मच से यूं, तब थोड़ी हुआ और मैं ऐसे चम्मच से यूं खा रहा, मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही। कितना झूठ है दही के लिए नहीं, मैंने ना बस ऐसे रखा होता कि जब भी फ्री होएगा तब खा लेगा, और मैं ऐसे बोल रही थी
स्लो मेरे मुंह में रह गया और वो फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी एकदम ऐसे कुछ ऐसे फुटपाथ पे गाड़ी वैसे टच हुआ टायर और यूं हो गई जान नहीं अभी तक मेरे धक धक हो रही है बहुत तेज तो था तो थोड़ा सा डेंजरस बट तो भाई हम यूके में एंटर कर चुके हैं ये यूके है ये देखो भाई ये यूके आपको यूके की गाड़ियाँ दिख रही होगी यूके की गाड़ियों में क्या होता है ना पीछे येलो नंबर प्लेट होती है और आगे नॉर्मल वाइट भाई हम सामान सब ले आए ये देखो हमने एक ये लिया है 165 का ये 135 का ये सस्ता मिल गया 77 सेंट्स का ये अपने वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है आयरलैंड में ये यूरो में ये देखो पाउंड में लिखा हुआ है 77 पाउंड का ये सस्ते ही है ये इसमें चॉकलेट लिया है और हमने प्रिंगल लिया प्रिंगल भी यहाँ पे सस्ते आते हैं 150-160 के यहाँ पे वैसे ग्रॉसरी एज कम्पेयर टू आयरलैंड सस्ती है थोड़ी और पे हम कैसे करते हैं रेवोल्यूट से क्या तमीज चल रही है वन मैक चिकन तो भाई अभी हम यहाँ पे डार्क हैजीज आया डार्क हैजीज जगह है जहाँ पे GOT जो लोग देखते हैं उनको पता होगी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है बहुत टाइम लग गया आने में थक गया मैं थोड़ा ड्राइव कर करके पर अभी आपको जाके ब्यूटीफुल सीन दिखाता हूँ खुद भी देखता हूँ फर्स्ट टाइम भाई ये यूनिक ही टॉयलेट था ड्रम लगा रखे थे जो वो गैस वाले होते हैं ना यहाँ पे ना बहुत सारा वो है जगह जाने की तो हमें समझ नहीं आ पा रहा है हम किधर जाए जो हम फोटोज़ में वीडियोस में देखते हैं उसमें अलग पत्थर होते हैं यहाँ पे देखो ऐसे पत्थर है तो समझ नहीं आ पा रहा है हम सही जा रहे हैं कि नहीं और टाइम भी लेट हो गया 4:15 हो गए हमें और भी जगह कवर करनी है फिर घर भी पहुँचना है ये बोल रही है कि यही पत्थर है कुछ एंगल से नहीं लग रहे ये पत्थर ये वो अलग थे हमारे साथ धोखा हुआ है पर हम आप लोगों को ढूंढ के बताएंगे कौन सी मेन जगह है वहीं जाना सीधा आते बस भी चलती है अगर आपके घुटने दुखते नहीं चला जाता तो इस बस से भी आ सकते हो ये भाई ये मेन जगह है यहाँ की ये देखो नीचे से जाके एक ऊपर था वो क्लिफ पे और यहाँ से लैंडस्लाइड भी होती है ध्यान से आना देख देख के ये देखो ये पत्थर है ऐसे अलग अलग से पता नहीं ऊपर नीचे और आगे वाले ब्लैक है वो जो फोटोज़ में आप देखते हो उधर जाके दिखाते हैं ओ भाई यहाँ पे देखो ये देखो ओ इतनी तेज तेज पानी आ रहा है इतनी तेज तेज आ रहा सा लग रहा है यहाँ पे बहुत अमेजिंग इट्स ऑसम और ये स्लिपरी है यहाँ पे थोड़ा ये देखो तो ध्यान से चलना भाई यहाँ पर है मस्त एक नंबर का ओ भाई ठंड हो गई अब तो ओहो मज़ा आ रहा है लेकिन मस्त यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बता देना कैसी आ रही है GoPro से बना रहा हूँ जो नया लिया है और माइक वाइक भी उसी का ही है ये देखो मस्त मस्त है आओ बट है ना टाइम लगा के आना हम जल्दी जल्दी में आए हैं जैसे क्योंकि हमें वापस भी जाना है घर तो आप लोग है ना या तो एक एक दो जगह एक बार में कवर करना या फिर यहाँ रुक जाना डबलिन वाले तो वैसे भी नहीं आ सकते उनको रुकना ही पड़ेगा हमारे तो यहाँ से 2.5-3 घंटे ट्रैवल था तो हम आ गए डबलिन से तो बहुत टाइम लगता है शायद 5-6 घंटे लगेंगे देख लेना क्या मेरे फोन से एक वीडियो बना क्यों बनाए वीडियो तुम्हारी हम क्यों बनाए ये यहाँ का कार पार्क है जो 4 बजे बंद हो गया था ये देखो फिर हम इधर से गए सीधा आगे भाई ये तो इतना मस्त था बंद हो गया 5 बजे बंद हो जाता है याद रखा नहीं मैंने इसको पूरी बना के भेजी आइटनरी इस जगह जाएंगे उस हिसाब से आई नहीं उल्टा गई है उल्टा अरे क्योंकि एक बार क्या हुआ ना मैप की वजह से ना मैप बंद हो गया तो मैंने गलती से एक लोकेशन डाल दी मैप में फिर वही अटकी रहेगी तो मैंने सोचा अब यहीं चल लेते हैं चल ही नहीं रहा था मैंने पूरा बनाया था क्या चीज़ कितने बजे बंद होती है उस हिसाब से पूरी आइटनरी बनाई थी 7 चीज़ों की आइटनरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों को देखनी हो तो पर वैसे वो स्लाइगो से काम करेगी टाइम आप अपने हिसाब से कर लेना टाइम मैंने स्लाइगो के हिसाब से लगाया था बाकी वैसे ठीक है रूट भाई अभी है ना एक तगड़ी ये देखना
ऐसे बादल बादल है, बीच में से एकदम से सूरज चमका जोर का, ऐसे लग रहा है कुछ आके गिरेगा धरती पे, कुछ हो गया तो डर लग रहा है थोड़ा। 2012-13 में सुना था वो धरती दुनिया खत्म होने वाली है। मरेंगे तो सब मरेंगे, मतलब खुद मर जाओ पर सब मरने चाहिए। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो टेस्ट में फेल हम होए, पूरी क्लास होनी चाहिए। जब दुनिया खत्म होगी हम जाएंगे क्या करेंगे? That is what I meant. नहीं, कुछ अच्छे लोग बचेंगे मेरे जैसे। भाई यहाँ पे है ना पटाखे मिल रहे, एक रस्ते में जगह से हम जा रहे थे तो मैं वहाँ पे देख के आता हूँ पटाखे कितने के और कैसे लेते हैं, कुछ अच्छा मिला तो। यार इसने रॉकेट ही नहीं लेने दिया, हद है। कहती है लीगल नहीं होएंगे, किसी ने रोक लिया तो ये तो वो तो। तू ले लेता तो ये क्या था? ऐसे तुम लेती तो मैं लेता, मैं ले रहा था, मैं गया अंदर, मैं खुश हो गया, मैंने कहा रॉकेट वॉकेट है, मैंने कहा आजा हमने तो ये लिया, देखो ये फूक मार बम जो होते हैं उसके तीन डिब्बे लिया और एक फुलझड़ी की पैकेट लिया। हम तो इसको दीवार पे मारने वाले बम बोलते हैं। 8 यूरो के आई है, कह रही 8 यूरो वेस्ट कर दिए। वेस्ट क्या कर दिए, दिवाली है। मेरे को तो यार रॉकेट लेने थे, 10 पाउंड का मिल रहा था और 5 sky shots थे, sky shot लेने थे और रॉकेट के पैकेट लेने थे, 20 pound के दोनों मिल जाते और जो मजा आता ना। इंडिया की याद आ गई मेरे को तो इसकी दुकान देख। रहन दो, लेने तो नहीं दिए। तो क्या हुआ, तो क्या क्या हुआ, गाड़ियां पकड़ के लेके जाते ना फिर ये मुझे ऐसे बोलते हैं और तुम ना सही कह रही थी। अरे इतना अच्छा बंदा था, कहता है मेरे को नहीं पता यूरो में कितने हुए 8 pound, जितने देने हैं दे दो 7 pound। तो हमने फिर खुद ही गूगल करके हमने कहा 8 यूरो हो रहे हैं, 8 दे दिए, 7 point कुछ हो रहे थे, हमने कहा ले 8 यूरो। मन नहीं करता, सही है यार तुम रहने दो, मेरा बहुत मन कर रहा है पटाखे लेने का। कह रही है तू ले ले, तेरे को लेना है तो ले, तो मैं खुद लूंगा, मत करो पैसे इन्वेस्ट, पैसे मैं पूरे खुद कर लूंगा 50 pound के, पर मेरे को हाँ तुम ये बोल नहीं रही कि मैं 10 pound इसमें लगाऊं मिठाई ले लूं। यार ये ले नहीं रही यार, बोल रही है कि मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं, मैं मिठाई के डब्बे खा लूं, मैं टिम हॉर्टन्स पी लूं, ये कर लूं वो कर लूं, टिम हॉर्टन्स पे कॉफी पी रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं खुद से ले लूंगा 20-30 pound के जो मैंने ले रहे हैं रॉकेट वॉकेट, पर ऐसे बोलो कि तुमने भी लिया। इट्स नॉट जस्ट, मेरे को साथ चाहिए किसी का अगर गाड़ा पकड़ने आया तो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, मुझे गाड़ा की दिक्कत है, ठीक है। अगर अलाउड होता, लीगल होता तो मैं बोल देती कि हाँ चलो, अगर गाड़ा पकड़ने आया मेरे को साथ चाहिए। मेरा आपके इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके इस स्टार्टअप आइडिया में। जी भाई टिम हॉर्टन्स जा रही है और उधर मैकडी पे भीड़ है और यहाँ भीड़ नहीं है। इतना क्यों हाइप्ड है ये टिम हॉर्टन्स और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, हाइप्ड है। कनाडा में है, मतलब यहाँ भीड़ नहीं है, यूके में। ये इसको कॉफ़ी मिल चुकी है, यहाँ पे फ्री डोनट मिल रहा है, सर्वे भरो ये तो, पर ये बोल रही है पहले सर्वे भरूंगी, फ्री डोनट लूँगी तभी कॉफ़ी पीऊँगी वरना ठंडी करके ख़राब कर दूँगी। इसको ये वाला डोनट फ्री में मिला, सर्वे मैंने भरा तो ये मेरे को थैंक यू नहीं बोल रही। तो उसका आधा हिस्सा मिल गया। उससे कॉफ़ी लेती बोलती कि आपका नाम क्या, सर्वे भर रहा था, साइबर गाय ने हेल्प करी, इससे डोमेन नहीं खुल रहा था, वो सब डोमेन था, फिर हमने उसका डोमेन फाइंड आउट करा कौन सा डोमेन है, वहाँ पे गए सर्वे फिल करा, सर्वे फिल नहीं हो रहा था, उसका पता नहीं क्या इशू था, फिर वो भी रिजॉल्व कर दिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सर्वे फिल करा, बहुत लंबा सर्वे था, उसमें सर्विस जिसने दिया आपको काउंटर पे उसका नाम लिखना था। गई कहती आपका नाम क्या, कहती ग्रेस, कहती क्या स्पेलिंग होती है इसकी, मैंने कहा ग्रेस GRSE, मैंने कहा इसको इंग्लिश नहीं आती, इग्नोर करो इसको, वो हंसने लगी सर्विस वाली। अभी मेरा नाम लगाएगा। गाइस हमारा ट्रिप ख़त्म होने वाला था, फिर हमने कहा एक चीज़ तो अधूरी रह गई, आज ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाई नहीं व्लॉग में, तो हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने आ गए अभी। हम अधूरे अधूरे रह जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के बिना। अंडा बिरयानी करानी है, बना रही है, बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे गया था, मैंने आपको बताया था ना एक सिज़लर शॉप है, तो अपने एक भाई है वो पाकिस्तान से, उनकी शॉप है बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया था, तो उनके वहीं लेने गया था, ले आया मैं नान। ये देखो ये क्या था, खीर दे दी उन्होंने। खीर बनाते हैं लोग हैं, हाँ मतलब मैं उनसे मिलने जा रहा था, पैसे ही नहीं लेते थे यार आज वापस, मैंने कहा नहीं बिना पैसे नहीं लूँगा मैं, हाँ। कहते हैं रोटी के पैसे नहीं लेता, नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, एक बंदे ने काट लिए थे जो वहाँ पे था, हाँ। फिर वापस दिलवा दिए 5 यूरो, अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं काटो, मैं तो नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, फिर उन्होंने पता कितने काटे, 1 यूरो,
चार उल्टे दे दिए और फिर मैं उनसे मतलब बाय कर रहा था, फिर वो काम कर रहे थे तो मेरे को लगा बिजी है, तो मैं आ गया लेके, फिर गाड़ी में आए फटाफट कहते हैं ये खीर ले जाओ, खीर है आपके लिए। बहुत अच्छे है यार वो, ऐसे अच्छा लगता है काफ़ी ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं तो हम भी पूरी हेल्प ऐसे कोशिश करते हैं लोगों की ऐसे मदद कर सकें, मतलब अच्छा लगता है ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।